हिंदुस्तान हिमालय बचाओ पॉलिथिन हटाओ अभियान में लोगों का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग हिंदुस्तान की इस मुहिम की तहे दिल से सराहना कर रहे हैं। सोमवार को देहरादून और मसूरी के स्कूलों में हिमालय प्रतिज्ञा गूंजी। यहां 18 स्थानों पर करीब 13,000 लोगों ने हिमालय को बचाने में अपनी भूमिका निभाने की शपथ ली। हिंदुस्तान हिमालय बचाओ पॉलिथिन हटाओ अभियान के तहत सोमवार को शहर के अनेक विद्यालयों में छात्रों ने हिमालय बचाने की शपथ ली। सुबह स्कूल की प्रार्थना सभा में विद्यालयों ने हजारों छात्र छात्राओं को हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण और लगातार प्रदूषण के कारण गड़बड़ा रहे मौसम चक्र के बारे में बताया। सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्यों ने छात्रों को शपथ दिलाने के साथ ही प्लास्टिक पॉलिथिन के बहिष्कार और स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील भी की। जोगीवाला स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य एके सिंह ने 1,000 से अधिक स्कूली बच्चों को शपथ दिलाई। आप प्राकृतिक आपदा देखते होंगे, ऐसी आपदाएं आ रही हैं कि पूरा पहाड़ ही गिरना शुरू हो जा रहा है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए पर जाते हैं तो पेड़ लगाने को प्रोत्साहन दे और कोई ऐसा काम न करें जिससे पर्यावरण को नुकसान है। सरकार बहुत सख्त कदम उठाने जा रही है। चार धाम यात्रा होती है, पॉलिथीन लेकर के जाते हैं, जैसा आप विद्यालय में भी करते हैं। विद्यालय में हमारे यहाँ मुझे नहीं मालूम अध्यापक इसका मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करूंगी। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे हिमालय को नुकसान पहुंचता हो। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करूंगी। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे हिमालय को नुकसान पहुंचता हो। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करूंगी। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे हिमालय को नुकसान पहुंचता हो। विराट पर्वतराज दुनिया के सबसे बड़े भूभाग के लिए जलवायु जल जमीन और पर्यावरण का आधार है। इसके गगनचुंबी शिखर हमें नई ऊंचाई छूने की प्रेरणा देते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हिमालय को नुकसान पहुंचता हो। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं हिमालय की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करूंगी। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे हिमालय को नुकसान पहुंचता हो। एक बार और रिपीट करूंगी, फिर इसी अवस्था में रहिए। मैं